मध्य प्रदेश में कोई भी सरकारी काम बिना रिश्वत के पूरा नहीं हो सकता। छोटे मोटे नियमित काम के लिए भी कर्मचारी अधिकारी हजारों रुपए की डिमांड कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसा ही एक का मामला सामने आया जब मंदसौर में एक पटवारी को रिश्वत की किश्त के रूप में 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त की इस बड़ी कार्रवाई के बाद जिले भर में प्रशासनिक हलकों में हड़कंप की स्थिति है। दरअसल मंदसौर जिले में उज्जैन लोकायुक्त टीम ने भूमि बंटवारे के लिए तहसीलदार के नाम पर रिश्वत लेते हुए ग्राम इशाकपुरा के पटवारी को कोर्ट परिसर में गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त DSP के मुताबिक पारिवारिक बंटवारा करने की एवज में तहसीलदार के नाम पर पटवारी जगदीश पाटीदार ने फरियादी धर्मेंद्र मालवीय से 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसकी जांच करवाने पर शिकायत सही पाई गई। इसके तहत पटवारी जगदीश पाटीदार को रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया। लोकायुक्त की टीम ने मंदसौर में इसाकपुर तहसील के पटवारी जगदीश पाटीदार को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। उसके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन प्रकरण भी दर्ज किया गया है।